ठीक है ठीक है बात का वो है कि 17 नवंबर की रात को जब अखिलेश जी आए और 20-25 लाख की नौजवानों की भीड़ हुई रात में, तो मुझको ये लगा, मैंने सत क्रांति भी लोहिया की देखी है और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति देखी है, इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी है। अखिलेश आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन मतलब अखिलेश। कितना परसेंट आप मुसलमानों को इस बार चुनाव में उतारेंगे? ज्यादा उतारेंगे हमेशा। अच्छा, हम तो हमेशा भागीदारी देते रहे। अभी जो एक वो पंचायती चुनाव हुए थे उसमें आपने भागीदारी इतनी नहीं दी थी, कुल 10% दी थी। नहीं तो होता उस वक्त कम रही हो, लेकिन हम अब भागीदारी बराबर देते रहे और हम देंगे। वो हमें दे रहे वोट, वो ही सरकार ला रहे, सरकार मुसलमान ला रहे। यार आप कैसी बात, वो ही लोग ला रहे जिन भाजपा ने जिसको ठगा है, वो ही सत्ता में अखिलेश यादव को ला रहे हैं। नोट कर लो, सिर्फ मुसलमानों को ठगा है? नहीं नहीं, सिर्फ नहीं कहा, जिन लोगों को। आपने कहा मुसलमान, जिन लोगों को ठगा है। आप ये मेरी बात बोलिए, बरेली में क्या वही पुराने चेहरे आएंगे या कुछ नए फ्रेश चेहरे भी लाएंगे? बहुत बढ़िया चेहरे आएंगे, आप देखते रह जाओगे। और दोनों सीट, बरेली की 9 सीटों में कितने मुस्लिम चेहरे होंगे? अब ये मैं कमेटी बैठेगी, अब माननीय अध्यक्ष तय करेंगे, ये बातें कहना उचित नहीं। जब भी कुछ आइडिया तो होगा, आप तो कमेटी के सदस्य। हमें आइडिया है, लेकिन अभी इस वक्त कोई चर्चा नहीं, 13 तारीख पर चर्चा होगी, उसके बाद टिकट। ठीक है, शुक्रिया सर। आज बरेली आना कैसा हुआ? समाजवादी पार्टी की नगर इकाई ने यहाँ सेक्टर प्रभारी वीडियो रखी। किस तरह का सम्मेलन हुआ और क्या मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव में आपके? इतनी मौसम खराब के बावजूद भी पूरा हॉल लास्ट में भर गया और बहुत अच्छे लोगों ने मनोबल से काम किया और आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लग गई, किन मुद्दों पर आपकी चुनाव में आप आ रहे हैं और किस तरह से चुनाव लड़ने की तैयारियाँ की गई हैं? हम लोग जो विकास मुद्दे चुनाव आ रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हो कि इस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। सारे कार्य जो हुए हैं वो हमारी ही सरकार में शुरू हुए थे और हमारी ही सरकार के ये काम कर रहे हैं। आम आदमी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की खाई बना करके लोगों में वैमनस्यता पैदा की और भाईचारा खत्म किया और विज्ञापनों के नाम पर जो है बोलबाला रहा। इन्होंने TV चैनलों के माध्यम से और पूरे कोई ना कोई रोज़ इन्होंने सरकार की जो है उपलब्धि गिनाने के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंगें और वो जो है TV विज्ञापन लगाए, जिसमें हमारे प्रदेश के और देश के अरबों रुपए खर्च हुए। विकास की तो ये बहुत ज़्यादा ढोल पीट रही सरकार, लगातार कर रही, हमने विकास इतना करा दिया, गली गली चमका दिए, वो आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, आप किन आधारों पर कह रहे हैं? मरवा और दिया कानपुर में, विकास मरवा और दिया, वो तो बदमाश था। तो कोई हर काम मरवाएंगे, बदमाश पकड़ बंद करेंगे, उससे पूछे क्या बदमाशी कर रहे थे, किनकी बिजनेस कर रहे थे, कौन करवा रहा था। स्थानीय विधायक का कहना है कि हमने तो स्मार्ट सिटी में काफ़ी ज़्यादा विकास किया है, सारी गली। उनका खुद विकास नहीं हुआ, अरुण कुमार कायस्थ थे, उत्तर प्रदेश में किसी कायस्थ को लिया नहीं गया, हिंदुस्तान की कैबिनेट में आज की तारीख में इंटेलेक्चुअल कौम है, कोई भी कायस्थ मंत्री नहीं है, कोई भी इन्होंने लोकसभा में 80 सीटों में से
को ही टिकट नहीं दिया, किसी को MLC नहीं किया, कभी किसी को राज्यसभा में नहीं भेजा। आप बात कर रहे और 80% वोट लिया, ठगाया कास्टों को, कास्टों कभी को वोट नहीं देगा। क्या पिछले ही मुद्दों के चुनाव लड़ेंगे या कोई नए मुद्दे भी आपके पास हैं जिन पे आप? मेरे पास मुद्दे हैं क्या? हमारे पास लोगों नौकरियां हैं, विकास का पूरा काम है, हम जो है अब बिजली भी, तो बिजली का भी आ गया है और भी मैन्युफैक्चरिंग। बिजली में क्या है आपके पास? 300 यूनिट बिजली वो है। तो केजरीवाल का देखा था कि आपने ये 300 यूनिट पिछली नहीं, नहीं अपने राज्य में तो उन्होंने 300 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली खड़ी करी थी, कोई देखा था? कोई देख कर सुधरता तो योगी जी तो अखिलेश देख सुधर जाते। तो इसका मतलब अखिलेश जी सुधर रहे हैं? नहीं नहीं, अखिलेश जी कहाँ सुधर रहे, अगर योगी सुधर जाते हम तो ठीक थे। नहीं आपने एक कॉपी की है ना, मैं बता रहा हूँ।